भाई क्या कर रहा था यहाँ पे? यहाँ पे वो बचपन के अपने प्यार को इजहार कर रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ, लव लेटर को पढ़ रहा हूँ यार तेरा भाई। यार जरा हमारे दर्शकों को भी सुना दे अब इसके ये यार क्या लिखा इनको है। फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा, अब ब्लॉग को स्किप मत करना, पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा, मेरा पहला लव लेटर। ये देखो, ये हमारा लूडो, ये हमारा लूडो है, ये बचपन में लेके आया था हम इसको। ये देखो, पापा को बहुत मनाया था तब जाके पापा इसको लेके आए थे। देखो हमारा कैरम बोर्ड, इसके बच्चे मेरे को बड़ा बोलेंगे ताऊ जी। और तो आज जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया, मौसम का मिजाज देखो, हल्के हल्के बादल लगे हुए ऊपर, देखो नीला नीला आसमान। अभी ना शायद आ जाएगी धूप, आ जाएगी थोड़ी देर में आ जाएगी, क्योंकि थोड़े बादल लगे हुए हैं, उनको जैसे पार करेगी फिर धूप आ जाएगी। और अब्बू देखो, गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग। अरे नहा ले, थोड़ा हाथ मुँह धो ले, उसके बाद। गर्म नहीं है आज, आज सुबह से लाइट नहीं है ना, थोड़ा दिक्कत हो गई यार आज। तो फिलहाल एक नया दिन शुरू हो गया, और नए दिन के साथ नए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से और इन खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारों से। अभी घर पे देखते हैं आज क्या काम कर पाते हैं, क्योंकि मैच अब ख़त्म हो चुके हैं, सारी जगह मैच ख़त्म हो चुका है। हमने अपने जो शस्त्र अस्त्र शस्त्र होता है वो सब संभाल दिए हैं, वो अगले साल निकलेंगे, इन्हीं दिनों पर निकलेंगे बाहर। बाकी अभी देखते हैं आज क्या काम कर पाते हैं, अब क्या कुछ दिखा पाते हैं हमको इन खूबसूरत पहाड़ों से। ले वो जाना। अरे भर ले यार प्लीज, अरे जल्दी मजाक मत करना। अरे मैंने उन्हें आगे हंसवाना। अबे भर नहीं उसने, तूने बस वो। अच्छा मैं गैस भरने जा रहा हूँ। मैंने भाई को बोला कि गैस भर ले, तो उसने मना किया। जैसे मम्मी ने बोला कि एक बर्तन धो ले एक गैस भर ले, तो उसने बोला नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो गैस बुक तो मेरे पास है, मैं ही जा रहा हूँ फिर। भाई जी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बस बढ़िया। ऊपर पूजा आई? हाँ चावल पकड़ लिए इसने। तो पहले गैस को पहुंचाना है नीचे रोड पे, और वहां पे ना गैस वाली गाड़ी भी आ जाएगी, और उसके बाद तुरंत गैस को भरवाना है। चल ओरी, और ओरी भी चल रहा है मेरे साथ। हाँ गुड देवा उन्हें इतना ये कि पकड़ा जाएगा तभी। वो तो वहाँ की जो ना भले मैं तो नहीं, बर्तन धो दिए, बर्तन धो दिए इसने, बहुत बढ़िया वाले चाबी। हाँ इतना तेज आदमी है ना, जैसे उसने सुना कि बर्तन धोने की बारी है, बोल रहा मैं जा रहा मैं जा रहा मैं जा रहा। हमारे भाई ने उसे वहीं पर चूतिया बना दिया। तो आज ना कुछ काम था नहीं, तो हमने सोचा कि अब्बू जिस रूम में सो रहा था ना, वैसे ये रूम मेरा है लेकिन अब्बू यूज़ करता है, मैं इस वाले रूम में रहता हूँ। तो हमने सोचा कि आज इस रूम की सफाई करते हैं, और आपको जो हमारी पुरानी पुरानी जो मतलब बचपन की जो यादें होती हैं ना, उनको मतलब वो संजोई हुई है, उन्हें संभाली हुई है। वो कपड़े हो गए, अपनी कॉफ़ी कॉपी हो गया, 12th 10th की बुक्स हो गया, सब कुछ संभाल के रखा है। तो देखते हैं कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या मैं दिखाता हूँ आपको। चलो चलते हैं। हाँ आज हम अब्बू के रूम की सफाई कर रहे थे, और हमें देखो क्या मिला, क्या दिखा दिखा दिखा। सब अब्बू की मेहनत है ये। ये देखो ये पूरी पेन हमने 12th, और अब्बू 10th में था मैं 12th में था, ये पूरी तब की पेन है, बहुत मेहनत करी। ये बात है, मैं मेहनत करी। यहाँ देखो कॉफी, कॉफी देखो, रफ कॉफी, बस रफ कॉफी होंगी वो। ये हमारे बचपन का वो कैरम बोर्ड। अरे इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी थी, पापा को बहुत मनाया था तब जाके पापा इसको लेके आए थे। देखो हमारा कैरम बोर्ड, ये अब्बू के बच्चों को काम आएगा, पार्टी देगी तो। मेरे बच्चे तो बाहर रहेंगे विदेशों में। अब्बू के बच्चों के लिए काम आएगा। टेलीफोन भी देखो, ये देखो हमारे टेलीफोन, ये बात इधर सुन दे बता। और दिखा मम्मी कुछ है इसमें? को बैठो बड़ा, ये देख फिर बोलता दियो ना, मारो दिमाग खराब होई अकी बता नहीं। हमारे बच्चे देखेंगे ना उनको, पापा कितने मेहनत देते, भले ही पापा ने बहुत कुछ किया नहीं लेकिन पढ़ने में बहुत तेज पापा। पापा और इसके बच्चे मेरे को बड़ा बोलेंगे ताऊ जी, और मैं मेरे बच्चे इसको चाचा बोलेंगे, चाचा। करो करो पूरी सफाई करो आज रूम की। ये बैग भी दे दो आगे। देखो आज हमें बहुत सारी पुरानी चीजें मिली, मम्मी क्या बोलते हैं इसको, शूट सांगर, ये ना वो पुराने जो हमारे ये चीज ना, जो पुराने हमारे मतलब पोशाक थी ना, जैसे दादी लोग पहनते हैं लवा पहनते थे, और उस पर एक व्हाइट कलर का चढ़ता था, तो उस पर लगाते थे इसको, इससे हम अखरोट भी खाया करते थे इससे, और उस पर भी यूज होता था। और ये देखो ये घड़ी, ये हमें दिल्ली से आई थी गिफ्ट, दिल्ली वाले आए थे यहाँ पे गेस्ट, उन्होंने गिफ्ट दी थी। ये ले मम्मी, ये पता, ये मैं ना चौपटा गया था किसी एक ग्रुप के साथ, जब हमने स्टार्टिंग में वो किया था ना अपना होम स्टे ओपन किया था, तब का है ये। इसको भी यहीं रख। ये? क्या वो तो चश्मा है यार। ये देखो
ये चश्मा नहीं है जो ये चश्मा ना सबसे पहला जो ना पहला है दूसरा तीसरा ग्रुप था उनका छोटा था यहाँ पे वो भी इधर ही है। अब वो दिखा मेरी कॉफ़ी दिखा। आज आपको ना मैं अपनी 12th की कॉफ़ी दिखाता हूँ जब मैं देखो मेरी वो देखो हैंड राइटिंग देखो इतनी ज़बरदस्त थी ना दिमाग बहुत कम था मेरे पे पर देखो। अब वो क्या था क्या बोला था मैंने राइटिंग जिसकी ख़राब होती है क्या होता उसकी बुद्धि खराब होती है अरे सही बताना अरे बताना बता ये देख ये मेरे प्यार वाला देख ये थी वो टाइम तेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी रे वो तेरा भाई कारीगर बहुत था उस टाइम। ये देखो मैच में ऐसे भरता था मैं कॉफी मैं एक एक दिन में इतनी इतनी कॉफी भरता था उस टाइम पे था इतने पेज भरता था मैं भाई मैं हुआ नहीं तो मेरा पहला फोन ही है ये पापा ने लेके दिया था मुझे Samsung Galaxy on 7 यो मैं से कॉफी छोड़ी सबसे ज्यादा पपो बोले बने तो यो बोझलो मां तुम नहीं ओके तो अपना तेरा दिया दो ना ये रहने नहीं मम्मी ये देख ये मेरी 12th की बुक्स है ये जैसे पापा लेके आए थे वैसे की वैसे इस पे फफूंदी भी नहीं लगी मेरे करियर पे लगी फफूंदी भाई इन पे नहीं लगी फफूंदी ये देखो मानचित्र ये यानी घुमाओ ये पापा पता 2007 में लेके आए थे 2007-08 में लेके आए थे इसको ये मैं अनवे दिखान दियो प्रमुख नदियां राजधानी खाद्यान्न सब कुछ था इस पे बहुत बढ़िया था यार ये संभाल के रख उसको भी वो काम आएगा मैं तेरा लव लेटर ढूंढ रहा हूं हां मेरे को लव लेटर सच में मिला था जिसका नाम मैंने सिर्फ कॉपी पे लिखा हुआ ना इस पे उसी ने दिया था मेरे को एक लव लेटर वो यहीं छुपा रखा है मैंने कहीं। ये देखो ये हमारा लूडो है ये बचपन में लेके आया था मैं इसको ये देखो आपने भी यूज़ करा होगा ना ऐसा अब तो फ़ोन पर आ गए लेकिन हम इसको इस पे खेलते थे इस पे देखो नाम लिखे हुए हैं ये देखो विनीता कुमकुम प्रिया अमन हिमांशु विनीता शिल्पी सालू सबके नाम लिखे हुए हैं जो आता था जो यूज़ करता था सबके नाम लिखे रहता है सब बहन है ये शिल्पी सालू भांजे हैं अब्बू है इनके नाम लिखे हुए हैं इन पे अब्बू देखो सीधा अंदर ही घुस गया पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वो था लव लेटर रे किसका लव लेटर अब्बू इतना तेज आदमी है ना ये इसको पता ये मेरा लव लेटर ढूंढ रहा था और उसको मिल ही नहीं रहा था उसने मम्मी को बोला मम्मी यहाँ पे ना सिलाप आ रही है वो मतलब सील आ रही है तो उसको ऊपर रखते हैं फिर नीचे रखते हैं तो मम्मी भी मान गई अब वो ढूंढने पे लगा हुआ कि आज तेरा वो लव लेटर ढूंढ के रहूँगा वो मेरे को 12th में दिया था एक लड़की ने तो आज ढूंढते हैं और लड़की को भी आज रिवील कर देंगे आज कौन सी वो लड़की थी कितना वो मुझसे प्यार करती थी विद फोटो नहीं यार फोटो के साथ वो इंस्टाग्राम कुछ नहीं आपको बस लव लेटर देखने को मिलेगा आज खोजबीन जारी है हमारी मिल गया हमारी हर खुशी का एहसास तुम्हारा हो तुम्हारे हर गम का दर्द हमारा हो मर जाए हमको कोई गम नहीं बस आखिरी वक्त तक साथ तुम्हारा हो ये भाई साहब ये देखो ग्रीटिंग ऐसे बनाते थे ठाकुर देख कितना प्यार करती वो लड़की तो तेरे भाई अम्मा को वो कॉपी अंदर डाल दे मम्मी वो कॉपी अंदर रख दे हम तभी लव लेटर पढ़ रहे ना ओ भाई देखो स्टार्टिंग कर इसकी ना पहले स्टार्टिंग देख तो ऐसे पकड़ तो ये ग्रीटिंग मिल गया हमें तो ये न्यू ईयर पे लड़की ने दिया था मयंक नेगी MN हमारी हर खुशी का एहसास तुम्हारा हो तुम्हारे हर गम का दर्द हमारा हो मर जाए हमको कोई गम नहीं बस आखिरी वक्त तक तुम्हारा साथ हो इस पे वो कवियत्री फिर और लिखती है कवियत्री लिखती है कि हैप्पी न्यू ईयर मयंक 2016 तो देखो 2016 में दिया था उस लड़की ने मेरे को और अभी तक संभाल के रखा मैंने संभाल के मतलब कॉफी के अंदर रखा था वो मैं भूल गया था प्यार प्यार है प्यार अबू ने दिया था मेरे को अबू ने याद दिलाया मेरे को ये रखा हुआ है आंखें तरस रही है तुम्हारा ख्याल आ रहा है एक बार मुस्कुरा दो नया साल आ रहा है वाह 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 देखो अबू कितना प्यार करती हूँ तेरे भाई से ऐसे कृष्ण राधा बना के उदास लम्हों की कोई याद रखना तूफान में भी वजूद अपना संभाल कर रखना किसी की जिंदगी खुशी हो तुम यही सोच कर अपना ख्याल रखना हैप्पी न्यू ईयर ये वाला ही पढ़ना गॉड से आपके लिए गॉड से आपके लिए विश किया है हमने आपसे दूर रहकर भी मिस किया हमने एक दिन बाद न्यू ईयर है याद रखना सबसे पहले विश किया हमने वाह 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 देखो ये था भाई ग्रीटिंग
मतलब लव लेटर तो क्या बोलते हैं इसको, ग्रीटिंग बोलते हैं। अब 2016 में तो ऐसे मैं फ़ोन भी नहीं था हमारे पास, तो हमने प्यार का इजहार भी करना ही था, तो ऐसे ऐसे करके हम मैंने तो नहीं दिया था, उसने दिया था मेरे को ये। देखो तूने भी दिया होगा, उसके यहाँ भी तलाशी पे जाना होगा ये दिन। ये ऐसा कुछ था, ये वाले देखना कितने बस थे, कितनी गरीब लड़की थी वो देख। उसने एक कॉपी का पेज निकाला, उसी से बना दिया। ये वाला देखना, ये फीलिंग देख इसमें, ये वाले लेकिन फीलिंग देखो कितनी जुड़ी हुई थी। भगवान मैं लव यू नेगा नेगी, कश्मीर की लड़ाई, देवराताल की चढ़ाई, बॉयफ्रेंड तेरी याद में नहीं हो रही। ये मस्त था, ये खतरनाक था। क्या कर रहा है वो, दिमाग खराब। ये देख मम्मी तेरे, अभी दिन के ना 12 बज गए हैं और सुबह से आज लाइट नहीं थी, तो मैं सोचा यार नहाएंगे कैसे, नहाएंगे कैसे, तू तो साइड हो जा यार, तेरे बस की नहीं है नहाना, मैं ठंडे पानी से नहा लिया। बहुत ही गाना बहन हैंडसम, अरे बाल इन पे नहीं गंदे भाई, अब नहीं है नहाने से, आदमी हैंडसम होने से नहीं, साफ होना, साफ होना जरूरी है। नहीं नहीं नहाया मैं, लगा रहा हूँ भाई, मैं नहाया हूँ और ये देखो बिना नहाए ऐसे लगता मैच्योरिटी दिखाते। तभी मैं नहा लिया हूँ, बाकी अबू खाना बनाएगा, अबू खाना बनाएगा, उसके बाद हम खाएंगे, और आज थोड़ा गेस्ट हैं तो फिर उसके उनकी तैयारी करेंगे फिर। तो अभी मम्मी तैयार हो गई है, मम्मी जा रही है थोड़ा सा अपनी दीदी से मिलने के लिए। ठीक है मम्मी जा रही, बाय 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 बाय। गांव में बोल रही कि मेरी मम्मी बुला रही है, बल मुझे मेरी दीदी बुला रही है, बल कुछ लेके आना वहाँ खाने के लिए। चलो मम्मी के पास है 100 रुपए, अबू के पास है 50 रुपए। 100 रुपए दे, 100 लेके पैसा डाल, निकाल बिना नहीं जी रे, देगा तो देगा से ले। उठ जा, देखो मम्मी को 60 रुपए दे दे, अपने 100 रुपए रख दे, वो पापा के काम आने है वो। केगा ये बना पैदा जान, मम्मी को चाहिए थे चेंज, और उसके बाद वो दे नहीं रहा था, मम्मी ने 100 रुपए दे दिए। तू मेरे बेचारे बदल, तू यदि ने इतना भयंकर तूफान चल रहा है ना अभी, पता नहीं ये किस मतलब कौन सी मुसीबत आने वाली है जिसका ये तूफान आ रहा है। और अभी मम्मी भी आ गई है घर, वहाँ गई हुई थी अपनी दीदी से मिलने के लिए, क्योंकि ना वहाँ पे एक छोटे भतीजे का बर्थडे था, मतलब मुंडन था, और मम्मी वहीं पे गई थी, तो उन्होंने बुलाया था शायद मम्मी को एक कलियो दिया है। कलियो मतलब जब वो होता ना किसी को बुलाते हैं उसके बाद कलियो दिया जाता है, वो मैं शाम को दिखाऊँगा आपको क्या दिया कलियो में। बाकी अभी मैंने खाना बना दिया, इसके बाद मेरा भाई बर्तन धोएगा, मम्मी भी आ गई, तू ही खा। देखते हैं आज अब्बू ने क्या बनाया खाने में, चौसा बनाया है लाजवाब वाला, देखते हैं ना भाई, देखते हैं देखते हैं, भात और चौसा बनाया भाजी ने आज, देखने में देख अभी चिप्स भी तो निकाल, एकदम जबरदस्त बनाया, पता नहीं भाई मोन मिर्च पता नहीं कैसे डाला इसने। अब हमारी आदत ऐसी हो गई ना, ये चिप्स के बिना हम खाते ही नहीं है खाना, एक तो यही चाहिए होता हमें। अभी हम दो चाँदी ये मम्मी लेके आई ना उधर से, अब दो टाइम बचा के रखेंगे हम, ये हमेशा खाएंगे, उसके बाद हमें आदत पड़ जाती है, हम रोज खाते हैं बस। अभी माँ बाहर वो तो रह पड़ी थे माँ, कमो मैं यहाँ चौदह क्यों ना आप ने यहाँ बोला नहीं भाई, मैं चरण चूरी डालेंगे थोड़ा सा घी, अगर वो काम नहीं हुए ना तब बोले फूल प्रेशर भाई। तो चलो अब लंच करते हैं, चौसा भात खाना बहुत जबरदस्त होना। और अबू ना दो काम बहुत बढ़िया करता है, एक बर्तन इतना साफ धोता ना, अबू धोता ना साफ, आज भी धोने अबू हमेशा धोता है। माँ देखती है खाना बना देता है सीरियल, वो छोड़ ना सीरियल छोड़, वो छोड़ दो आज बर्तन धोएगा ठीक है माँ, अबू इतना साफ बर्तन धोता ना इसलिए बहुत खुश होने माँ। यानी बर्तन धोएगा आज, प्लीज प्लीज आज। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह सारे धुल लिए हैं, खाना भी खा लिया हम लोगों ने, बाकी ना मैं जो दिखा रहा था ना मम्मी क्या लेके आई वहाँ से, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। तो मम्मी लेके आई थी वहाँ से ये, इनको बोलते हैं रोटना, तो ये ना पहाड़ों की स्पेशल डिश मानी जाती है, तो ये लेके आई थी मम्मी, और खाने में ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मेरे को मीठा होता है, घी का बना होता है,
चाय में इतना प्यारा लगता है घी और मैदे को, मम्मी को प्रोसेस पूछेंगे इसका, मेरे को भी नहीं पता। तो अभी एक नींद पूरी करने के बाद मौसम देखो, मौसम दिखाता आपको। इधर कैसे दिख रहा, हल्का खुला हुआ दिख रहा ना। यहाँ देखो, यहाँ हो गई स्नोफॉल, यहाँ भी हल्की हल्की हो रही है, वाइट वाइट दिख रहा, गिर रहा, तो यहाँ भी स्नोफॉल शुरू हो गई। कितने मजे हैं यार, जब चाहो स्नोफॉल आ रही है, जब चाहो धूप आ रही है, जब चाहो बारिश आ रही है, सब आ रहा है। पर ठंडा भी बहुत होता है भाई, क्या करें। ऐसे में ठंड मेरा देखो बिस्तर लगा हुआ है, आराम से चुपके बैठते हैं। ये देखो आज के हमारे गेस्ट भी पहुंचे, उनका स्वागत देखो स्नोफॉल से भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश है स्नोफॉल की वजह से। आपको मजा आ गया, सही में स्वागत हो गया आपका। अरे मतलब तेरी पहले देखो ऊपर से सब एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल का। एंजॉय करो, एंजॉय एंजॉय। आपने देखा है कभी स्नोफॉल? अरे पहली बार, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्या बात है। बहुत तेज हो रहा, बहुत तेज हो गया। ये देखो अभी शाम के टाइम, पता कितना टाइम हो रहा, 7:58 हो रहा, और बर्फ़ देखो कितनी बढ़िया पड़ रही है। और आज ना थोड़ा गैस ज़्यादा है, उसी चक्कर में थोड़ा बिजी हो गया हूँ, तभी कुछ हो रहा, और ये ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा है। और अभी जब बाहर आया, यहाँ देखा स्नोफॉल हो रहा, बहुत तगड़ा वाला स्नोफॉल हो रहा है। मेरे को लग रहा है अगर रात भर ऐसा ही हुआ ना तो ये पूरा जम जाएगा। और पता जो फोरकास्ट में दिखा रहा था ना, फोरकास्ट में दिखा रहा था कि आज मतलब मौसम क्लियर है और यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, तो क्या ही बोले। भाई भी देखो ऐसे ही मैं वो कर रहा है काम कर, इंतजार ना। इधर देखो हमारा गार्डन देखो, उधर देखो पूरा सफ़ेद हो गया, यहाँ देखो मेरा हाथ भी पूरा सफ़ेद हो गया। जा इमेजिन, वो प्रेशर लेके आ जाता तो भी सफ़ेद हो जाता। तो अभी सबने ना खाना खा लिया और हमारी स्थिति भी बहुत ख़राब हो चुकी है। तुम्हारी कसम, मैं सही बता रहा हूँ, जब गेस्ट तुम्हारी क्या स्थिति है गर्लफ्रेंड, तुम्हारी कसम मैं सही बता रहा हूँ। अगर हमारे गेस्ट आते हैं ना, जैसे 2-4 आते हैं, जैसे हम ठेल लेते हैं, नॉर्मल होते हैं, जैसे 15-20 आते हैं वो भी नॉर्मल, जब 24-25 ऐसे आते हैं ना तब हमें मज़ा आने लगता है। मज़ा मतलब बहुत मज़ा करता हूँ। अब एक्चुअली क्या होता है कि अभी मैं खाना दे रहा था और एक दादाजी की उम्र के थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला खीर कैसे बनी हुई है, तो बोला कि, सबने बोला अच्छी बनी है, तो उन्होंने बोला और लेके आओ। अब मैं बोला कि नहीं है, और तो नहीं है, तो वो बोल रहे कि और लेके आओ। वो दादाजी देख रहे मेरे को कि और लेके आओ। मैंने बोला 3-4 बार बोला उन्होंने कि मेरे को और लेके आओ। जब लास्ट में पापा ने पूछा कैसी है खीर, तो उन्होंने बोला मेरे को मिली नहीं। मेरा दिमाग खराब, कहाँ से दुआ, फिर थोड़ा थोड़ा लेके गया। फिर मतलब मज़ा भी आता है, फिर अंदर आके हंसी भी आती है। फिर अबू अभी क्या बोल रहा था, वो गेस्ट को क्या करना है, दो लोगों को क्या करना है, दो लोगों को छोड़ देना है, फोकस करना है, 21 लोग। तो चलो जी फिलहाल डिनर हो गया, बाकी अभी बर्तन धो के सारा काम निपटा दिया है। ये रहा भाई, वो हीटर सेक रहा क्योंकि उसने ठंडे पानी से बर्तन धोए, पापा ने सफाई कर दी। मज़ा आ गया, मजा आ गया, बीत गई पापा। मम्मी ने भी वहाँ अपना सिंक विंक साफ कर दिया, खाना बना दिया, बाकी हमने भी खाना खा लिया। करते हैं इस ब्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि।